गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग क्लास वन में चैप्टर टू का पार्ट टू में एडिशन पढ़ेंगे, तो चलिए स्टार्ट किया जाए। दिया है, व्हेन वी ऐड जीरो टू ए नंबर द आंसर इज द नंबर इटसेल्फ। जब हम लोग किसी संख्या में जीरो ऐड करते हैं तो वही संख्या आ जाती है। जैसे मैं आप लोग देखिए, अगर हम लोग फोर में जीरो ऐड करेंगे तो कितना आएगा, फोर आएगा। अगर हम लोग सिक्स में जीरो ऐड करेंगे तो कितना आएगा, सिक्स आएगा। तो देखिए, व्हेन वी ऐड जीरो टू ए नंबर द आंसर इज द नंबर इटसेल्फ, यानी कि किसी भी संख्या में अगर जीरो ऐड किया जाता है तो वही संख्या आ जाती है। उसके बाद देखिए, व्हेन वी ऐड वन टू ए नंबर द आंसर इज द नंबर दैट कम्स आफ्टर। यदि हम लोग किसी संख्या में वन ऐड करते हैं तो उसका ठीक आफ्टर यानी कि बाद वाला संख्या आ जाता है। जैसे देखिए, फोर में वन ऐड करेंगे तो क्या आएगा, फाइव। फोर का आफ्टर क्या होगा, फाइव होगा। वैसे ही देखिए, अगर हम लोग सिक्स में वन ऐड करेंगे तो क्या आएगा, सेवन आएगा। अगर सिक्स का आफ्टर क्या होगा, सेवन होगा। तो इसीलिए व्हेन वी ऐड वन टू ए नंबर द आंसर इज द नंबर दैट कम्स आफ्टर। यदि हम लोग किसी संख्या में वन ऐड करते हैं तो ठीक उसका आफ्टर आ जाएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है, टू नंबर्स कैन बी एडेड इन एनी ऑर्डर द आंसर रिमेन्स द सेम। यदि हम लोग देखिए, यहाँ पे टू दिया है प्लस थ्री दिया है, तो इसको ऐड करने पे कितना आया है, फाइव आया है। अगर इसी नंबर को हम लोग चेंज कर देते हैं, थ्री को यहाँ पे लिख देते हैं, टू को इधर लिख देते हैं, तभी भी क्या आएगा, फाइव आएगा। देखिए यहाँ पे थ्री है और इधर टू है, तो इसको भी ऐड करने पे क्या आया है, फाइव आया है। यानी कि नंबर दोनों में से इधर उधर भी हो जाता है तभी भी आंसर सेम आता है। तो चलिए एक्टिविटी टू बी में बनाया जाए। दिया है, फिल इन द बॉक्सेस। नंबर ए में दिया है टू प्लस सिक्स इक्वल टू, बॉक्स दिया है प्लस टू दिया है। तो यदि हम लोग टू टू में सिक्स ऐड करते हैं तो क्या आएगा, एट आएगा ना। अब ये बताइए, अगर सिक्स में यहाँ पे सिक्स लिखेंगे तो सिक्स में भी टू ऐड करेंगे तो क्या आएगा, एट आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, सिक्स। देखिए टू में सिक्स ऐड करेंगे तो एट आएगा, या सिक्स में टू ऐड करेंगे तो एट आएगा। बी नंबर में देखिए, फोर प्लस फाइव इक्वल टू बॉक्स प्लस फोर दिया है, तो फोर में फाइव ऐड करेंगे तो नाइन आएगा, या फाइव में फोर ऐड करेंगे तभी भी नाइन आएगा। उसके बाद नंबर सी में दिया है नाइन प्लस बॉक्स इक्वल टू नाइन, यानी कि नाइन में कितना ऐड करेंगे कि नाइन आएगा। तो पहले ही बताई हूँ कि व्हेन वी ऐड जीरो टू ए नंबर द आंसर इज द नंबर इटसेल्फ। यदि हम लोग किसी संख्या में जीरो ऐड करते हैं तो वही संख्या आ जाती है। तो हम लोगों को नाइन में क्या ऐड करेंगे कि नाइन आ जाएगा, तो नाइन में जीरो ऐड करेंगे तो नाइन आ जाएगा। उसके बाद नंबर डी में देखिए, बॉक्स प्लस वन इक्वल टू एट, यानी कि इस बॉक्स में कितना लिखेंगे कि वन से ऐड करने पे एट आ जाएगा, तो सेवन प्लस वन इक्वल टू एट आएगा। उसके बाद नंबर ई में देखिए, थ्री प्लस फोर इक्वल टू फोर प्लस बॉक्स, यानी कि थ्री में फोर ऐड करेंगे तो सेवन होगा, या फोर में थ्री ऐड करेंगे तभी भी सेवन होगा। नंबर एफ में देखिए, सिक्स प्लस एट इक्वल टू बॉक्स प्लस एट, यानी कि सिक्स में एट ऐड करेंगे तभी भी फोर्टीन होगा, या एट में सिक्स ऐड करेंगे तभी भी फोर्टीन होगा। एट प्लस जीरो इक्वल टू, यानी कि एट में जीरो ऐड करेंगे तो क्या आएगा, तो नंबर इटसेल्फ यानी कि यही संख्या आ जाएगी। उसके बाद है फाइव प्लस बॉक्स इक्वल टू सिक्स, फाइव में कितना ऐड करेंगे, सिक्स होगा, तो फाइव में वन ऐड करेंगे तो सिक्स होगा। इसको आप लोग सुंदर सुंदर राइटिंग में बुक में बनाइएगा, बुक को भरिएगा। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे चलिए। पेज नंबर 35 पे
इसको ऐड करना है। तो चलिए एक्टिविटी 2C में, थ्री नंबर ई में देखिए, पहले देखिए हेडिंग ऐड द फ्लोइंग बाय काउंटिंग फॉरवर्ड, इसको काउंटिंग करके ऐड करना है। नंबर ए में देखिए थ्री में 3 + 2 इक्वल टू कितना होगा, तो 3 में 2 ऐड करेंगे तो 3 to 5 होगा। नंबर बी में देखिए 5 + 3 इक्वल टू कितना होगा, तो 5 में 3 ऐड करेंगे तो 8 होगा। उसके बाद नंबर सी में देखिए 6 + 5 इक्वल टू, तो 6 में 5 ऐड करेंगे तो 11 होगा। नंबर डी में देखिए 2 + 1 इक्वल टू, तो 2 + 1 इक्वल टू 3। यहाँ पे समझाने के लिए बता देती हूँ, जैसे मैं 3 है तो यहाँ पे हम लोग 3 लाइन खींचेंगे 1 2 3, ये 2 है तो 2 लाइन खींचेंगे 1 2। अभी से हम लोग काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे 5 आया। नंबर बी में देखिए 5 है तो 5 लाइन खींचेंगे 1 2 3 4 5, ये 3 है तो 3 लाइन खींचेंगे 1 2 3। अभी से काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ पे 8 आया है। नंबर सी में देखिए 6 है तो 6 लाइन खींचेंगे 1 2 3 4 5 6, ये 5 है तो 5 लाइन खींचेंगे 1 2 3 4 5। अभी से काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यहाँ पे 11 आया। नंबर डी में देखिए 2 है तो 2 लाइन खींचेंगे, 1 है 1 लाइन, तो इसको काउंटिंग करेंगे 1 2 3, तो यहाँ पे 3 आया। अब देखिए सेम ऐसे ये 4 है नंबर ई में, तो 4 लाइन खींचेंगे 1 2 3 4, ये 1 है तो 1 लाइन खींचेंगे। अभी से काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4 5। नंबर एफ में देखिए 3 है तो 3 लाइन खींचेंगे 1 2 3, ये 8 है तो 8 लाइन खींचेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। अभी से काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। उसके बाद नंबर जी में देखिए 7 है तो 7 लाइन खींचेंगे 1 2 3 4 5 6 7, ये 2 है तो 2 लाइन खींचेंगे 1 2। अभी से काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। नंबर एच में देखिए 6 है तो 6 लाइन खींचेंगे 1 2 3 4 5 6, ये 9 है तो 9 लाइन खींचेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसको काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। चलिए नेक्स्ट आई नंबर में देखिए 3 है तो 3 लाइन खींचेंगे 1 2 3, 4 है तो 4 लाइन 1 2 3 4। अभी से काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6 7। जे में देखिए 8 है तो 8 लाइन खींचेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 है तो 1 लाइन। अभी से काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। उसके बाद के नंबर में देखिए 8 है तो 8 लाइन 1 2 3 4 5 6 7 8, 7 है तो 7 लाइन 1 2 3 4 5 6 7। अभी से काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। नंबर एल देखिए 6 है तो 6, 1 2 3 4 5 6, 4 है तो 4 लाइन 1 2 3 4, काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब आप सभी को ऐड समझ में आ गया होगा, ऐसे ही ऐड बनाया जाता है। इसे आप लोग बुक में सुंदर सुंदर राइटिंग में बना लीजिएगा, कॉपी में भी बना लीजिएगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।